खुदा यु मसी के अज़ीम नाम में आप सब की सलामती हो हम खुदा के नहाय शुक्रगुज़ार हैं जिसने आज हमें फिर से मौका दिया कि हम प्रोग्राम जिंदा उम्मीद में अपने अजीजों को वेलकम कर सकें हम ख़ास तौर पर खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं पास्टर अनिल कांत के लिए और उनके साथ उनके ख़ानदान के लिए जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं नहीं। सो हम आप सबको वेलकम कहते हैं जमा uh, समझता हूँ इट इज़ अ अ जॉय एंड प्रिविलेज़ दैट वी आर डूइंग मिनिस्ट्री दिस ईयर टुगेदर। यस, दिसर ऐम और uh, हमारे लिए अनिल, uh, मैं ख़ास uh, जब आपके मतलक मुझे पता लगा कि किस तरह से खुदांद ने आपको चुना तो आज हम ये चाहते थे कि आज अपने इस शो में प्रोग्राम जिंदा उम्मीद में आपको वेलकम करें बिकॉज खुदावन ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं जिसमें पास्टर अनिल लिखते हैं और फिर आप कंपोज करते हैं और आ, फिर एक और बड़ी खिदमत जो खुदावंद ने आपको पिछले सालों में दी कि एज ए खुदा के खादम होते हुए उसका सेवक बनकर आप खिदमत करें तो थोड़ा सा अपना सफ़र बताइए अपनी खिदमत के मतलब पैशोर पीटर सिस्टर जमा सबसे पहले तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज हमको ये खुदा उनकी तरफ से मौका मिला है कि आपकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के ये काम कर सकें और मैं कन्ग्रेजुलेट करना चाहता हूँ ये जो नाम जिंदा उम्मीद है ये बहुत खूबसूरत नाम है और ये खुदा की तरफ से क्योंकि यसु जो है हमारी वो जलाल की उम्मीद है और वो जिंदा है और हम किसी को बताते हैं गॉसबल के बारे में तो कहते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि और यही उम्मीद है जो दुनिया के पास जो खुदा हैं या जो उनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़िंदा नहीं हैं वो शायद अपनी जो अपनी तो है या अपनी जो आस है ऐसी चीज़ों पे लगाते हैं जो ज़िंदा नहीं है लेकिन हमारा खुदा ज़िंदा है तो इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं शुक्रगुज़ार हैं खुदा के कि हमको ऐसी उम्मीद मिली है हमको ऐसी होप जो है खुदा ने दी है और आपकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के ये खदमत हम करें इसकी ये भी हमको खुदावंत की तरफ से एक ब्लेसिंग एक है बरकत है और यस हम खुदावंत की खदमत कर रहे हैं आज से आ, आ, दस साल अगर हम कहें कि बड़े ही प्रॉपर तरीके से आठ दस साल हुए हैं और जैसे आप इस साल अपने दस साल जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं जी जी। हम भी अपने दस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये, ये खुदाई बात है कि खुदावंद की तरफ से लाही बात है कि हम साथ मिलके ऐसे काम कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है जिंदगी फॉर एवर तो बड़ी अच्छी जो है ना एक दिखाई दे रहा है पैरेलल सा जो है कि चल रहा है कि हम सब मिलके वो वही काम करें इसका मतलब हमारा और आपका ऑथर सेम है और हमारे और आपकी खिदमत को लिखने वाला और उसको परफेक्ट करने वाला वो एक जिंदा खुदा है और वो जब सबके अंदर काम करता है तो वो यकसा है एक जैसे हैं लेकिन उनके जो वो अलग हैं उनके जो सिर्फ तरीके अलग हैं लेकिन उसका जो रूह वो सेम है होली स्पिरिट सेम है उसकी गिफ्ट्स अलग हैं और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि ऐसी खिदमत आपकी जो कैनेडा में और बल्कि कैनेडा से सारी दुनिया के लिए बरकत का बायस बने हैं आपकी पूरी फैमिली वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी सच अवटिफुल फैमिली और हमारा जो है दस साल पहले मैं चाहूँगा कि रीना इसमें थोड़ा सा शुरू करें जैसे फाजत साहब ने शेयर किया दस साल पहले 2006 में एक विजन हमें खुदा ने दिया कि हम हम जहाँ इंडिया में रहते हैं तो हमें अपने हिंदू भाई बहनों के लिए एक जरिया चाहिए था क्योंकि जिस चर्च में हम पहले जाते थे वहाँ इंग्लिश वर्शिप होती थी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो थे वो सारे इंग्लिश थे पैटर्न वही था तो खुदा ने जब इनको विजन दिया सत्संग नाम से और सत्संग जो है एक बड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिप है जो हिंदूज़ बहुत हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं और उसमें भजन होता है प्रवचन होता है यानी कि कलाम होता है मतलब उनकी तरीके से और उसी को हम हमने हर महीने शुरू किया एज़ एन आउटरीच ये सोचते हुए कि देखते हैं खुदा क्या करता है और uh, कुछ uh, महीने जब हो गए तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि बहुत सारे हिंदूज़ को जब हम कहते थे आप सत्संग में आइए और हम हॉल्स को हायर करते थे इट वॉज़ नॉट अ चर्च बिल्डिंग और जब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो 2008 में हमने उसे एक प्रॉपर कलीसिया uh, हर संडे रेगुलर फेलोशिप की तरह शुरू किया और आ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये आठ साल जिसमें हमने कलीसिया का की स्थापना की वो बहुत ही सुंदर रहे हैं और पास्टर साहब ने उसको और आगे बढ़ाते गए क्योंकि खुदा चाहता था कि हम अलग अलग, अलग जगहों पे जाएं एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा हमारे हिंदू भाई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जैसे रीना जी ने कहा कि हम हिंदूज़ को टारगेट या उनकी तरफ हमारा कहीं से भी ये मकसद नहीं कि कोई धर्म परिवर्तन किया जाए हम किसी के महब को बदलने के लिए यह प्रोग्राम नहीं करते हैं क्योंकि यसु एक नया मज़ब इस दुनिया में नहीं लाया है तो कहीं पर भी ये इस बात का कोई ऐसा मतलब ना निकाला जाए कि हम शायद किसी तरह से हिंदूज़ को रीच आउट इसलिए कर रहे हैं कि वो हम उनसे प्यार करते हैं हम खुद हिंदू परिवार से आते हैं और यहाँ धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है बल्कि अपने अधर्मी जीवन को हम छोड़ के एक सच्ची धार्मिकता की तरफ जो है एक सच्ची जो रास्तबाजी जो खुदा की है तरफ उसकी तरफ हम जाते हैं तो इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता है exactly. बाइबल में वर्ड रिलीजन कहीं नहीं है पूरी बाइबल आप पढ़ लें उसमें रिलीजन वर्ड कहीं नहीं आता है कहीं नहीं और मैं जी यही यहीं से मैं चाहूँगा बल्कि आप आ, हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ कैसे थी आखिर क्या खालीपन था क्या ऐसी बात थी जो आपको यशु के कदमों में ले आई आए पीटर जैसे हम जिंदगी जब शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर जैसे आज ऋषभ की उम्र है या नौजवान बच्चे या ऐब हैं इब्राहिम हैं और हमारे बच्चे ये श्रेया है हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी लाइफ में यही होता है कि हम जिंदगी में अच्छे काम करें और सक्सेसफुल हों और पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आप सक्सेसफुल बने एंड आई एम श्योर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल ही देखना चाहते हैं मेरा भी यही एम था कि मैं सक्सेसफुल हूँ और पैसा कमाऊँ और आ, उसके बाद फिर ये होता है कि आप जब कमाते हैं तो आप उसको फिर दुनिया की ऐशो ऐरत में खर्च करते हैं exactly. वो ज़माने का तरीक़ा है वो दुनिया का तरीक़ा ही ये है है ना कि आप क्यों सक्सेसफुल होते हैं सो दैट यू एन्जॉय योर लाइफ है yes. ना yes. और उसके ऊपर वहाँ जा कर सारी जो बातें वो ख़त्म हो जाती हैं तो खुदा ने हमें अर्ली सक्सेस दी और हम लोग जो हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली या किसी भी तरह से देखें हम लोगों ने वी मूव टू सिंगापुर इंडोनेशिया और हम लोगों ने वहाँ पे चौदह साल uh, बहुत अच्छी अच्छी लाइफ देखी और पैसे की कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं और प्रोफेशनली वी वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर इन अ प्लेस वी वॉन्टेड टू बी इन अ प्लेस वी आर वी वॉन्टेड टू बी एंड वी वर देयर तो हम खुश थे इस बात से और खाना पीना इंजॉय करना हर तरह की जो दुनिया की जो सारी जो अयाशियाँ वो भी हम करते थे तो ये एक तरीका है लेकिन मेरे अंदर जैसे पेस्टो जी ने कहा कि मेरे अंदर एक खालीपन था और मैं हमेशा उस बात को रीना से शेयर करता था कि सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है तो वो शायद खुदा ने हम शायद का बिल्कुल ख़ुदा ने हमारे अंदर वो खालीपन रख छोड़ा है जिसको कोई दुनिया की कोई चीज़ भर नहीं सकती ना पैसा ना दौलत ना नाम ना शहरत ना शराबें ना ना कोई नशे जो हैं तो आजकल जो हैं बड़े लोग सब नशे का जो है तो प्रचलन पहले से ही है मख्त तरीके मुक्तलिफ से लोग जो है अपने आप को एंटरटेन करते हैं और बड़ी मैं गज़लें भी गाता था शराब की गज़लें कि भाई मैं गम बुलाने के लिए पीता हूँ और इसलिए पीता तो हम ये समझते हैं कि वो वो दुनिया का तरीका है है ना लेकिन मेरे अंदर वो खालीपन पन ना शराब से जाता था ना इंजॉयमेंट से जाता था ना वो फिल्म में देख के ना वो किसी और कपड़े पहन के ना महंगी गाड़ियों से जा सकता है वो है। तो उसकी तलाश थी और उसके लिए हमने बहुत सारे यत्न किए और तरीके जो अपनाने की कोशिश करते हैं जैसे लोग हमने भी की मैंने भी की मेरी जर्नी बड़ी इंटेंस थी रीना की इतनी इंटेंस नहीं थी वाइफ जो होती हैं वो जनरली वो अपने बच्चों की देख रेख और फैमिली को बिल्ड करना उसके लिए ज़्यादा उनका वो होता है तो अगर हस्बैंड बहुत तंग करता है फिर वो खुदा की तरफ जाती हैं <laughs> तो, है। तो ऐसा नहीं था कि मैं तो तंग नहीं करता था सामने बैठी हैं वो तो वो गवाही दे सकती हैं है। लेकिन मेरी जो सर्च थी वो बड़ी इंटेंस थी और और मैं उसमें जब बढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जी कोशिश किया मेडिटेशन जिसको कह सकते हैं आ, कि ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके और न्यू एज की बहुत सारी बातें और रिलीजन्स मैं रिलीजन्स को किसी को नाम नहीं लेके बात कर रहा हूँ लेकिन तरह तरह की रिलीजियस चीज़ें और प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ें जो ऑकल्ट से जुड़ी होती हैं या बहुत से भी आप सुकून आपको मुझे सुकून जो है मैं हासिल कर सकूँ जिसमें बहुत सारी डार्क चीज़ें भी आ जाती हैं बहुत सारी जो सुपर नेचुरल जो जिसको वर्ल्ड में कहते हैं सुपर नेचुरल चीज़ें वो भी उसमें होती हैं तो हम बड़े उन चीज़ों से एक इंसान के अंदर उस सुपर नेचुरल को छूने की चाहत भी होती है कि हम उन चीज़ों को छू के देखें तो मैं उसमें गया और भटका और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इन्वॉल्व हुआ लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मुझे चाहिए था फिर भी मुझे लगता था कहीं पर कमी है क्योंकि मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता था जो मुझे एक बार के लिए हमेशा के लिए सेटिस्फाई कर दे और वो जो चीज़ है वो मुझे मिल नहीं रही थी और वो वो शायद मेरी एक सर्च जो थी वो इतनी गहरी होती चली थी कि एक बार को रीना भी परेशान हो गई कि ये क्या है ये कौन सी सर्च है कि ये क्या ढूंढ रहे हैं सब कुछ तो है और उस सब कुछ है पैसा है नाम है शहरत है और हम अच्छी तरह से सेटल थे और उसी बीच में एक चर्च जैसे आपका खूबसूरत चर्च है इस तरह के चर्च ने हमें इनवाइट किया और कहा कि आप हमारी कलीसिया क्योंकि मैं म्यूज़िशियन था जी, जी, मेरा वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जकार्ता में तो वहाँ पर हम लोग रहते थे तो वहाँ पर एक चर्च ने हमको इनवाइट किया बल्कि मुझको ये इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे चर्च को म्यूज़िक सिखाएँ हमारी कॉयर को तो मैं वहाँ गया तो इस पूरी सर्च में मेरे लिए क्रिश्चियनिटी या बाइबल या जीसस क्राइस्ट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था ये ये वेस्टर्न रिलीजन है तो या मैं उसको रिलीजन की तरह देखता था कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ तो मैं अपने में ही ढूंढ ढूंढूँगा ये थीक अमेरिकन है या गोरों का या हम कह सकते हैं वेस्टर्न चीज है जो हमारे लिए नहीं है और ये मुझे क्या शांति दे सकती है तो इस तरफ मेरा सोच भी नहीं थी मेरा जहन भी इस तरफ कभी नहीं जाता था लेकिन जब मैं इस चर्च में गया तो उन लोगों ने मुझको बड़े प्यार से मेरे लिए दुआ करते थे हम सबके लिए दुआ करते थे और वो हमको वो बाइबल से जो था वर्सेस देते थे कि क्या मैं उनमें से गीत लिखूं तो ये मेरा पहला जो कह सकते हैं ब्रश था विद बाइबल वर्सेस तो मैं उसको जब पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और इससे मैं कुछ साल पहले आपको और ले जाना चाहता हूँ नाइनटीन में जब मैं सबसे पहले सिंगापुर मूव किया था जी जी। तो तब एक बार मैं एक चर्च के सामने से गुजर रहा था तो मैं उस चर्च के अंदर जब वहाँ पे एक म्यूजिक चल रहा था तो अंदर जाके देखा एक शादी चल रही है अच्छा। तो मैं उस मैरिज में जब चला गया तो किसी की शादी थी आपको पता है हम इंडियन चले जाते हैं <laughs> <laughs> तो हमने कहा चला देखते हैं क्या हो रहा है <laughs> तो अंदर जब आ गए तो उधर उद, उधर एक लड़का मुझे मिला उसका नाम जॉन था वो आज भी मेरा दोस्त है okay. तो उसने कहा कि आप शादी में किसकी शादी मैंने कहा मैं सिर्फ देखने आया हूँ तो कहते हैं कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ तो मैं उस बात को सुनकर बहुत हैरान हुआ तो ये जो सबसे पहली जो एक बात मैंने बिब्लिकल सुनी थी कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ फिर उसके करीब 10-12 साल के बाद मैं इंडोनेशिया की इस बात पे आता हूँ कि जब मैं चर्च में गया वो मुझे बाइबल के वर्सेस देते थे और मैं जब उनको सुनता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे फिर मैं रीना को आके कहता कि कितने खूबसूरत हैं मैं इनमें से गाना लिख रहा हूँ मैं कहता इसमें एक वर्स है कि कुछ भी है कि इज़ नथिंग विदाउट लव तो मैंने गाना लिखा कुछ भी कुछ भी नहीं है प्यार के बिना तो मैं तब बिलीवर भी नहीं था लेकिन नहीं। बहुत सारे गीत जो है मैंने तब लिखे उस चर्च वालों के लिए जो कलाम से जो थे मोहब्बत पे बेस करके तो वो जब गीत मैंने लिखा तो रीना कहती बहुत अच्छा है लेकिन आप क्रिश्चियनिटी से दूर रहना तो ये थोड़ा सा आप, आप बिज़नेस के लिए ठीक है लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है तो ये हमारा एक इनिशियल वो था और वो हमार हमारे लिए दुआ करते थे मैं उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस रखता था ठीक है तो ये हमारी जो बिगनिंग थी हमारी उसकी फिर दुआ करते 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 मेरे लिए प्रोफेसी करते थे वो कि गॉड विल यूज़ यू टू द एंड्स ऑफ द अर्थ वो हमारे लिए सारे ख़ानदान के लिए दुआ करते थे तो फिर हम हैरान होते थे रीना कहती थी ये ये क्या बातें हैं ये अजीब सी बातें थी ये बातें ये 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 लैंग्वेज ये वोकेबलरी ये वर्ड्स ये हमने तो मज़ा मज़ा सुना था ये मसा क्या होता ये नहीं हमें पता था है ना तो मज़े लेने की हम बात करते थे और ये मसा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था नॉइंटिंग का वर्ड हमने कभी सुना ही नहीं था तो या उस तरीके से नहीं सुना था जैसे जैसे मसीहत में इस्तेमाल किया जाता है तो हम इन चीज़ों से बड़े हैरान होते थे और फिर कई बार हम कहते थे ये वियर्ड लोग हैं अजीब लोग हैं है ना कि बड़े पिक्यूलियर से लोग हैं दुनिया की बात नहीं कोई और और ही बातें कर रहे हैं इनकी इनकी सोच कुछ अलग है इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है तो लेकिन खुदा ने हमें चुना हुआ था खुदा की एक हमारे लिए प्लान थी और जो जैसा जॉन ने मुझे बोला था कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ मुझे अपनी ज़िंदगी का प्लान नहीं पता था तो खुदा का मेरे लिए कुछ प्लान है ये बात सुन के मैं बहुत हैरत में पड़ गया तो बहरहाल फिर हम किसी ने हमारे लिए दुआ की उसने कहा कि आपको खुदा इंडोनेशिया से लेके जाएगा किसी और जगह पर फिर हम इंडिया मूव किए अच्छा। कुछ ऐसे हालात हुए इंडोनेशिया में पॉलिटिकल हालात ऐसे हो गए हम इंडिया गए वहाँ पर भी हमने एक खुदा का हाथ देखा और उधर जाके फिर एक दिन मेरी मुलाकात यीशु से हुई और मेरी जो प्रार्थना थी कि जैसे एक मेरी संस्कृत में मैं हमेशा एक मंत्र जो था वो मैं बोलता था कि असतो माँ सत गया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु माँ अमृतम ग हे परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य में लेके जा आगे। आगे। मतलब झूठ से सच में।, में हाँ जी अनट्रूथ राइचनेस सच्चाई फ्राम ट्रूथ टू फ्राम डार्कनेस टू लाइट फ्राम अन ट्रूथ टू ट्रूथ एंड फ्राम डेथ टू इटर्नल लाइफ तो ये तीन जो थी मेरी तलाश थी और बाइबल में मुझे जो मुकाशवा हुआ जो मुझे नज़र आया जो मुझे खुदा ने ज़ाहिर किया वो ये था कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ जी तो ये जो कलाम है जो खुदा ने हमको दिया और उसके ऊपर फिर मैंने योजा कि अगर तू ही खुदा का बेटा है तो मुझसे बात कर तो ख़ुदा ने मुझसे बात की और मैं मैंने फिर रिसीव किया फिर उसके बाद हमने कभी मुड़ के नहीं देखा पास्टर जी ने बहुत खूबसूरत बातें अपनी जिंदगी के सफ़र के मतलब बताई लेकिन उनके ज़िंदगी के साथी से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि पास्टर जी की ज़िंदगी में जब यह एक बहुत बड़ा चेंज आया जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मसीह को कबूल किया तो आपकी क्या फीलिंग थी आप कैसा फ़ील कर रहे थे और ये सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज आपके लिए कैसा था जैसे पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि इनकी जो तलाश थी वो बहुत सालों से थी हमारी शादी को कुछ उस वक्त पंद्रह साल हुए थे तो जब इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे पहले ये लगा कि ये भी एक पासिंग फैंसी है नई चीज़ आती है बहुत शौक से जैसे बच्चे कैसे खिलौना खेलते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये भी ऐसे ही होगा और मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर मैंने देखा कि ये बाइबल लेकर दिन रात बाइबल की बातें करना मैं और बाइबल पढ़ते रहना फिर उसके बाद जब मैं उनके साथ बैठती थी तो कहते बाइबल में ऐसा लिखा है जीसस ने ऐसा बोला तो वो हमेशा मुझसे शेयर करते थे और उस वजह से फिर मैं नाराज़ होने लगी और मेरे अंदर एकदम जैसे मैं थ्रेटन हो गई कि अब कुछ अंदर से बदलने वाला है येस और हाँ जैसे कलाम कहता है कि आ, जो रोशनी है जब अंधकार जो अंधेरा है जब उसको देखता है तो उसको समझ नहीं आता है तो ऐसे ही मुझे ये बात तो समझ नहीं आ रही थी कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है लेकिन उसकी वजह से मेरा जो जहन था वो गुस्से से और रेजिस्टेंस से और बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटी से भरता जा रहा था क्योंकि आ, मेरे मन में ये डर भी थे कि हम अभी नए नए इंडिया मूव हुए हैं और बच्चों ने अभी स्कूल शुरू किया है और आ, जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो मैं मन में ये सोचने लगी कि अब हम क्रिश्चियन हो गए तो अब बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा आप क्रिश्चियन हो गए तो कोई बात नहीं करेगा हमारा हाँ, मेरा नहीं। नाम चेंज ये ये चीज़ तो हम पहले सोचते थे कि ये एकदम हो जाता है कि जैसे और मैंने इनसे सवाल भी किया था तो मतलब आप अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो क्या अब हमें अपना नाम भी बदलना पड़ेगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स थे मेरे माइंड में चल रहे थे उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और क्या आप बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा टाइम आया जिसमें फिर आपने इस बात पर सोचना शुरू किया कि जो फ़ैसला पास्टर जी ने किया है वो बेस्ट सही है, है। देखिए ये इन्होंने दो हज, साल 2000 में जीसस को पूरी तरह से अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे मैं बिल्कुल उस उस चीज़ से नफ़रत ही करने लग गई थी जीसस का नाम लेते थे और मेरा गुस्सा जो है एकदम बाहर निकल आता था तो एक साल ये कश्मकश रहे जिसमें ये मुझे जीसस के बारे में बाइबल के कलाम के बारे में बताते रहते थे और हम जब भी बात करते थे हमारी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाती थी और मैं हमेशा उनको कहती थी कि आप मुझसे इस बारे में बात ही मत करा करिए शेयर मत करिए तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं उनकी बात को सुनती नहीं थी तो उन्होंने क्या किया देखा कि आ, मैं अब उनकी बात नहीं सुनती हूँ तो ये हर रोज़ रात को जब मैं सो जाती थी और मैं सोई नहीं होती थी तो ये मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ करते, दुआ करते थे।, थे हाँ जी तो मैं ये मैं बहुत हैरान होती थी कि ये बदलाव ये चेंज आया कैसे जीसस कौन है जो इनके मन में इन्होंने इतना दुआ की करने की एक ये बात डाल दी जी तो ये जो चेंज मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा था उसकी वजह से मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि जीसस कौन है और जीसस ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको बदल दिया है और ये जो है ये मेरे बदलने की शुरुआत थी क्योंकि मैंने इनके अंदर जो गवाही देखी ऑफ ऑफ चेंज ऑफ प्यार की और uh, हम एज अ फैमिली हम हमेशा बड़े अच्छे सुकून से रहते थे लेकिन जो विजिबल चेंजेस दिखाई दे रहे थे उसने मेरे अंदर ये जो है एक चेंज धीरे धीरे शुरू किया यस ये, की है। ये की yes. कौन ये है यस अनिल भाई को बदल दिया है जी अंदर से और पहली बार मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जीसस जो है वो कोई ऑर्डनरी खुदा नहीं है वो वो जिंदा है जिन्दा खुदा। और क्योंकि वो मुझे समझाते थे कि वो जिंदा खुदा है वो हमारी हर दुआ को सुनता है और जब वो मेरे लिए दुआ करते थे तो मुझे लगता था कि हाँ ये जीजस को दुआ कर रहे हैं जीजस मेरी बात को शायद इनकी बात को सुन रहे हैं और सबसे बड़ा चेंज मैं समझती हूँ कि खुदावन की मोहब्बत आपको इनकी ज़िंदगी में नज़र आई yes. क्योंकि आप रिजिस्ट कर रहे थे आप डिफरेंट एक्ट कर रहे थे लेकिन वो प्यार जो मसीह का इनके अंदर था वो कायम रहा और उसने आपको मोटिवेट किया पास्टर जी आपकी गवाही बड़ी पावरफुल है और मैं हमेशा ये देखता हूँ जब भी हम बाइबल मुकदस में देखते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं लेकिन एक पर्सनैलिटी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है और वो है जकई गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 19 1 टू 10 वर्स में उसकी पूरी स्टोरी बयान की गई कि किस तरह से उसके पास दौलत थी सब कुछ था एक मकाम था हाँ एक चीज़ थी लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था लेकिन एक चीज़ की वो तलाश में था और वो भी सत्य की तलाश में था सच्चाई की तलाश में था अधूरापन था खालीपन था और इस इस तलाश में उसने अपनी इंटेग्रिटी को नहीं देखा इस तलाश में उसने ये नहीं देखा कि जब मैं दरख्त में चढ़ूँगा तो लोग क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे? सो कई दफ़ा जब हम आ, सच्चाई की तलाश में होते हैं तो हम वर्ड होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं पर एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लोगों की फ़िक्र होती है और रिश्तेदारों की फ़िक्र है दोस्तों की फ़िक्र है और ये एक आ, मैं करैक्टर देख रहा था कि किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कि आ, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की आपके पास शहरत थी दौलत थी आप आ, आ, अपने जगह पर जहाँ पर आप काम कर रहे थे फेमस थे और किस तरह से खुदा ने आपके अंदर ये भूख रखी तो मैं आ, ये चाहूँगा कि ये एक डिज़ायर थी जो उसके अंदर भी थी और आपके अंदर भी थी और जब हम कलाम की बात करते हैं और जिनके अंदर डिज़ायर है फिर जब वो एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाते हैं खुदा दस कदम उनकी तरफ आते हैं और जैसे ही जकई को खुदा ने देखा तो यसु मसी उसी दिन यसु ने कहा जकई आज मुझे तेरे घर ही जाना है तो आपने जो दुआ की आप जो सत्य की तलाश में थे आप उस अंधेरे से निकलना चाहते थे वो यसु मसीह की सूरत में आपको मिल गया तो आ, क्या बदलाव आया इसके बाद यसुना मिला, मेरा जीवन बदल गया Amen. सब कुछ ही बदल गया सब कुछ ही बदल ना? गया और एक फुलफिलमेंट आ गई खुशी आ गई मिशन आ गया विजन आ गया जिंदगी आ गई जिंदा उम्मीद आ गई जिंदगी फॉर एवर आ गई yes. yes. आनंद आ गया इतमान आ गया yes. तसल्ली आ गई तसल्या। तसल्या। टेस्टिंग आ गई yeah. प्रोसिक्यूशन आ गई बहुत yes. सारी चीजें आती हैं जब खुदा आता है तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं yeah. है ना लेकिन वो सब चीज़ें फिर जैसे बुक ऑफ रोम में लिखा गया ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर हु लव द लॉर्ड एंड आर दी कॉल्ड जो बुलाए हुए लोग हैं जो खुदा के कामों के लिए बुलाए गए हैं हम और आप चुने हुए लोग हैं जैसे आप यू आर अ अजन वेसल ऑफ गॉड है ना तो उसके लिए उस बर्तन को अलग किया जाता है फिर वो दूसरे बर्तनों में मिक्स नहीं किया जाता है तो वो उसको जैसे बाइबल में लिखा कि कुछ आदर के लिए बर्तन है कुछ बर्तन अलग अलग कामों के लिए चुने गए हैं तो उधर उधर बाथरूम के बर्तन बाथरूम में होते हैं किचन के बर्तन किचन किचन में होते हैं और जो दादाजी के खाने के जो बर्तन थे वो अलग रखे होते हैं ना तो मैं समझता हूँ जैसे मेरे घर में मेरा चाय का कप अलग रहता है आ, तो ऐसे <laughs> तो हम खुदा के लिए कप बनाए गए हैं है। और हम हम उसके लिए जो जब चुने जाते हैं तो फिर हम जो हैं आ, फिर अलग होते हैं तो फिर हमारे साथ तो बर्ताव भी अलग होता है तो ये बदलाव आया और ज़िंदगी तो बदल ही गई और बहुत कुछ बदल गया कुछ बताएंगे कि आपके दोस्त थे आपके रिश्तेदार थे आपकी फैमिली थी और आपके बच्चे भी आपके साथ थे जब ये बदलाव आया तो क्या बिजनेस को कैसा फ़र्क पड़ा ये सारे जो sure. लिंक्स थे हाँ उनमें क्या बदलाव आया इनफैक्ट फैक्ट पैष्टी मेरे बहुत सारे मित्र जो आज भी जो मुझको मसीहत में देखते हैं वो मुझे पूछते हैं अनिल भाई क्रिश्चियन बनने के लिए क्या मिला आपको है ना कितना मिला आपको बिल्कुल ठीक है तो उनको जवाब देना मुश्किल होता है क्योंकि मैंने दुनियावी तौर पे देखें तो खोया ज़्यादा है ठीक है फिज़िकल उसमें देखें रेल में देखें, में देखें क्योंकि लोगों की ज़िंदगी जो है वो हमेशा फाइनेंस के ऊपर बेस्ड होती है कामयाबी को हम फाइनेंस फैनांस फाइनेंस के साथ ही जोड़ते दोड़ हैं रिलेट करते, करते हैं कि ये कामयाब जो है तो इसके पास आज इतने करोड़ रुपए होना चाहिए इसके बैंक में तक इसके इसका इंटर इसकी जो है ज़िंदगी वो रहे इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इतना सोना होना चाहिए इतना चांदी उस हिसाब से हम देखें तो हमने उस दुनियावी विजन को पीछे कर दिया है और हमने इटर्नल लाइफ को आगे रखा है हमारा घर है बड़ा आसमान में स्वर्ग में है ना वो वो घर जो है हमने पहले कंफर्म कर लिया है है ना क्योंकि उन चीज़ों के लिए ऊपर हमारी सोच जो है वो अब चेंज हो गई तो बहुत सारे दोस्त जो वो बड़े वेल मीनिंग फ्रेंड्स हैं वो हमसे प्यार करते हैं है। जो प्रोसिक्यूट करते हैं कभी कभी वो आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं और मैं उस प्रोसिक्यूशन को समझता हूँ कि वो उनकी एक जर्नी है जिसमें वो हमको समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया कि खुदा ये जानते नहीं कि ये कर क्या है। रहे हैं वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं या अपनी तरफ से वो कुछ कंफ्यूज हैं इसलिए उनको फॉरगिव करना पड़ता है जैसे स्टीफन ने भी पत्थर मारने वालों को माफ़ किया।, माफ किया कि भई आ ये पत्थर मार रहे हैं तो खुदा इनके खिलाफ मत गिनना इस बात को डोंट काउंट दिस थिंग अगेंस्ट काउंटिंग तो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे रीना भी एक साल मेरे इस चीज़ में मेरी मुखालफत करती रही कि आप ये क्या कर रहे हैं तो ऑफकोर्स शी लव्ज़ मी एंड शी हैज़ ऑल द राइट टू क्वेश्चन माई थाट्स एंड माई यू नो माई माई जर्नी ऑफ फेथ तो उसमें ये हुआ कि आई अंडरस्टेंड्स आई हज टू प्रेफर कि खुदा वंद इसके बिना तो मैं आगे नहीं चल सकता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिना मैं आगे चल सकता हूँ लेकिन इनके बिना तो मेरा चलना ना मुमकिन है क्योंकि हम खुदा में हम एक हैं और हमको खुदा में भी एक होना जरूरी है तो इसलिए हम दुआ करते थे क्योंकि फैमिली के अंदर एक पैटर्न होता है जैसे आप बहुत सारे लोग जो शायद प्रोग्राम देख रहे हैं वो एक पैटर्न होता है कि तुम अपना फेथ फॉलो करो मैं अपना फेथ फॉलो करो ये आजकल की दुनिया एक सिस्टम है है ना कि वी डोंट विद ईच अदर मैं मैं एग्जैक्टली इनको यही बोलती थी जैसे आपने कहा ना पास्टर साहब कि लोग क्या कहेंगे और ये सवाल मेरे जहन में था एक पॉइंट ऐसा आया मैंने कहा ठीक है मैं मैं दिल में ईमान रखती हूँ कि आजकल जीसस इज़ द लॉर्ड, लेकिन इकरार नहीं कर सकती हूँ मैं लोगों के सामने कि मैं लोगों के सामने नहीं कन्फेस कर, कर पाऊँगी क्योंकि सोसाइटी में है फैमिली जैसे ही हमने चर्च जाना शुरू किया मेरी मदर इन लॉ का मुझे फ़ोन आया डेली से कह रहे कि बेटा तुम देखो तुम घर चलाती हो तुम बच्चों को चलाती हो अब अनिल को तो हम कुछ समझा नहीं सकते वो जो कर रहा है उसको करने दो लेकिन तुम नहीं करना तो वो चाहते थे कि मैं वो स्टैंड जो हूँ जो रखूँ अपनी तरफ से और मैंने रेजिस्टेंस दिया तो और लोगों की ही वजह से दिया कि लोग क्या कहेंगे ये yes, सबसे बड़ा सवाल था लोग क्या कहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद इसलिए भी फोर्स किया गया कि आपकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो बच्चों तक ना पहुँच जाए yes. ताकि आप कायम रहें और आपके साथ बच्चे भी इनफैक्ट बच्चे तो बहुत ही छोटे थे और मतलब मज़े की बात यह है कि जब हमने चर्च जाना शुरू किया तो हमने उनको बोला कि बेटा हम चर्च जा रहे हैं किसी को बताना मत ये मैंने उनको बोला था खुद ठीक है। लेकिन आ, उसका उल्टा ही हुआ हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं सबसे पहले मुझे याद है श्रेया ने जाके सबको बता दिया हम चर्च जाते <laughs> तो हैं ने कुछ बोला था। मुझे। uh, मैं मोम uh, डैड ने जब मसीह को स्वी uh, स्वीकार किया अपनी ज़िंदगी में तो मैं तो बहुत ही छोटी थी आई वॉज़ आई थिंक थर्टीन okay. तो अभी इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है मुझे आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग ऑफ इट क्योंकि यू नो वी वर सो यंग हमें समझ में नहीं आता था बट uh, जबी भी लोग मुझसे टेस्टमिनी पूछते हैं मेरी तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे बाइबल में लिखा है कि ऐसे काम uh, सदा करना तुम दुनिया में कि तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने ये मेरी टेस्टमिनी है कि uh, उस वक्त जब मामडार चर्च जाते थे कभी हमें फोर्स नहीं करते थे कि तुम भी साथ में चलो इनफैक्ट मैं बहाने बना के घर पे ही रहती थी बट uh, मैंने अपने डैड के अंदर मसीहा को देखा uh, उस वक्त मुझे बाइबल तो समझ में नहीं आती थी कुछ uh, अगर कभी कभी अगर चर्च चली भी गई तो जो वचन वहाँ पे चल रहा होता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था बट जो मैंने चेंज डैड में देखा दैट बिकेम दैट बिकेम माई होल्डिंग पॉइंट फॉर क्राइस्ट कि ये ये क्या ये क्या हो गया है मेरे डैड के अंदर जो यू uh, नो you know, जिसकी वजह से उनके अंदर इतना बड़ा चेंज आया है डैड एक्चुअली मसीह में आने से पहले बहुत गु़स्से वाले थे उनको बहुत गुस्सा आता था बट द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट इज़ दिस दैट जब आप uh, यीशु मसीह को अपने जिंदगी में स्वीकार कर लेते हो पूरी तरीके से तो वो द चेंज दैट कम्स इज़ सुपर एंड दैट्स वॉट आई सॉ इन डैड वो बिल्कुल मतलब उनके अंदर जो गुस्सा था वो

a completely different person mean the way he dealt with us also completely changed and i don't mean changed uh, from 18 to 20 mm -hmm. but from 0 to 100 it flipped over completely so i would say complete transformation absolutely i mean it was like a it was like a 180 degree flip mm -hmm. and it used to make me wonder that if uh, christ can bring such a big change in my dad then i'm sure that he can also do wonders in my life आई मीन यू नो एंड वॉट मॉम इज से मैं जब अपने सब दोस्तों को भी जाके मैंने इसीलिए बताया बिकॉज आई वॉज सो हैपी विद द चेंज दैट केम इन द हाउस तो मेको ये कभी लगता ही नहीं था कि कुछ गलत है क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर एक चीज़ हमारी जिंदगी में इतनी अच्छी चेंज ला सकती है तो इसको छुपाने की क्या जरूरत है हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम जब मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो हम छुप छुप के मेडिसिन खरीदने नहीं जाते हम खुलेआम जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये मेडिसिन से हमारी जिंदगी हमारी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी exactly. तो मुझे यही लगता था कि अगर मेरे डैड के अंदर इतना सुंदर चेंज आ सकता है तो मैं क्यों छुपाऊँ इस बात को सो आई थिंक दैट्स वॉट आई टू फील Uh, आपने भी मसीह को फिर कबूल किया? यस आई मीन मैं uh, अगर सच कहूँ तो इट वॉज़ फॉर मी इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्टेप मुझे उस इवन वेन आई एक्सेप्टेड क्राइस्ट आई वॉज सो यंग मुझे समझ में नहीं आया था कि वॉट एग्जैक्टली आई वॉज डूइंग बट मुझे इतना पता था कि uh, जिसने मेरे डैड के अंदर और मेरे मॉम के अंदर चेंज किया है मैंने उनको अब अपने जीवन में अपने जिंदगी में कबूल कर, कर, कर लिया है अब मैं अपनी जिंदगी उनके हाथ में सौंपती हूँ अब उनको जो करना है मेरे साथ वो करें okay, okay. इतनी मेरी समझ थी इससे यू नो आई आई मस्ट कन्फेस उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइबल पढ़ना जरूरी है दिस वाज दैट वाज दैट अ लॉट लेटर इन माय जर्नी जब uh, जब हमारा सत्संग शुरू हुआ तब जाकर जब मैंने वचन सुनना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि वचन कितना जरूरी है पर उससे पहले इतना मुझे पता था कि अब मसीह के अलावा कुछ नहीं है एंड आई ओनली नीड मेरे को याद है मैं दिस वॉज़ अराउंड फोटीन फिफ्टीन जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कॉलेज के एक कॉर्नर में एक मंदिर हुआ करता था एंड आई वॉज़ अंग टीनजर और आप जानते ही टीनीजर्स की ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें होती हैं डिफरेंट यू नो पियर प्रेशर एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से हमारे अंदर भी खालीपन होता है तो मैं उस मंदिर पे जाके बैठती थी एंड आई यूस टू आस्क Uh, जो वहाँ पे बैठे होते थे मैं उनसे पूछती थी कि क्यों मुझे इतना खालीपन महसूस होता है आप प्लीज़ मुझे हेल्प करें कुछ आप मुझे यू uh, नो you know, कोई गाइड मी तो वो जो गाइडेंस भी देते थे uh, जो वो मुझे कहते थे कि आप ये चांट करो और हाँ। मुझे ये भी याद है बचपन से मेरी दादी जी uh, मुझसे एक uh, एक वस मंत्र चैंट कराती थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था एंड आई ऑलवेज यूज टू जो बताने वाला है आपको भी समझ में आता है तो uh, ये जब मैं मतलब ये जो खालीपन था मैं जब ये व, uh, मंत्र चैंट करती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था एंड सम हाउ आई वुड नॉट फील यू नो एनी थिंग वर्किंग इन साइड मी इनफैक्ट मुझे और इरीटेशन होती थी बट आई रिम्बर जब मैं uh, चर्च जाती थी या जब मैं वचन सुनती थी जब मैं वर्शिप सुनती थी तो चाहे मुझे कुछ समझ नहीं आए मतलब वेन यू नो बाइबल वर्सेज या किसी बारे में ऐसे चर्चा होती थी मुझे समझ में नहीं आता था बट आई टू फील सो मच एट पीस इन साइड एंड आई टू फील दैट इट इज़ आई एम इन द राइट प्लेस यू नो वॉट एवर इट इज मतलब मुझे नींद भी आ रही होती थी चर्च में बट आई यूज टू फील नो दिस इज द राइट प्लेस आई नो दैट यू नो जैसे कोई बहुत थक के जब घर आता है और सो जाता है वो फीलिंग मुझे आती थी कि यस आई एम होम आई एम होम वेल दैट्स ग्रेट That's yes, great. So मैं मैं ये समझता हूँ कि जो yes. जिस तरीके से आपने कलाम को कंसीव किया आपने बताया कि जैसे जैसे कलाम को आपने पढ़ना शुरू किया yes. और सुनना शुरू किया yes. आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मज़बूत होता गया Absolutely. और मेरा ख्याल है कि फिर जब हम जिस उम्र में आप थे और फिर कई ऐसी बातें थी जिसके ऊपर हम ओवरकम आना शुरू करते कलाम बाइबल में लिखा है यू विल नो द ट्रूथ एंड विल सेट यू फ्री जैसे जैसे हम सच्चाई से वाकफ़ होते हैं और फिर मैं कलाम को हमेशा यूं समझता हूँ कि वो दो धारी तलवार है Amen. जो बंद बंद और गुदे गुदे से गुजर जाती जब जो लोग कलाम को पढ़ते हैं फिर कलाम उनके अंदर से जब गुजरता है कई दफ़ा पास्टर अनिल कहते हैं कि आ, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है मैंने दस दफ़ा बाइबल ख़त्म कर ली है मैंने बीस दफ़ा बाइबल ख़त्म की है हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो मैंने एक दफ़ा एक शख़्स से यही कहा कि आप बार बार कलाम में से गुज़रते हैं मौका दीजिए कि कलाम भी आपके अंदर से गुजरे ताकि हम अलाउ नहीं करते कलाम को कि वो हमारे आ, हमारे अंदर चेंज आए और मेरा ख़्याल ये बहुत ज़रूरी है।, है और क्या जैसे हमने प्रसिक्यूशन की बात की सोशली खानदानी तौर पर क्या आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा पर्सिक्यूशन तो होती है बिकॉज जब आ, लोगों को पता चलता है कि आपने उनको ये लगता है आपने धर्म बदला है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि आप जब बीमार होते हैं तो आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं आप ये नहीं देखते कि आप कौन से ब्रांड का मेडिसिन ले रहे हैं या कौन से मेक का मेडिसिन ले रहे इंडियन वेस्टर्न आप ये बस आप सिर्फ ये देखते कि मेरी कैसे भी करके तबीयत ठीक हो जाए यू नो सो बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि जब हमने भी मसीह को कबूल किया अपनी ज़िंदगी में तो हमने ये नहीं देखा कि ये धर्म है ये क्या है बट हमने ये देखा कि इससे हमारी ज़िंदगी बदलती है तो ऑफकोर्स जब मैं मसीह में आई Uh, मेरी भी uh, मेरी भी एक जर्नी थी uh, मेरे 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 लाइफ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि कि मैं uh, या तो कारपोरेट में जाऊंगी या यू नो क्रिएटिव्स में जाऊंगी सिंगर uh, बनूंगी जो भी है मतलब मेरे फैमिली के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे एक्सटेंडेड फैमिली के yeah. uh, मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आई हैड कम्प्लीट प्लान्स फुल प्लान्स टू डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन वर्क एंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मॉम डैड ने कभी अपने थाट्स मुझ पर इम्पोज नहीं किए दे ऑलवेज अलाउड कि मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ बट येस वॉट वॉट दे हेल्ड ऑन टू एज प्रेयर दे ऑलवेज प्रेड ओवर माई लाइफ एंड देज आस्ड गॉड की वॉट एवर शी डज लेट हर नॉट गो एस्ट्रे एंड प्रोटेक्ट हर तो ग्रेजुएशन होने के बाद आई वर्क फॉर अ वाइल एंड आई ऑल्सो वर्क सो दैट आई वुड नो वॉट इट इज देर आई वॉन्ट टू डू फर्दर बट I know God was planning my life in such a way that simultaneously, when I started my work, it just so happened that I was so unhappy with the work uh, atmosphere and environment that uh, I was working with the media, the Indian media, okay. and I was very, very disappointed by it because I, I would see a very different life there, okay. you know, and. Uh, and and I mean, I just at the same time kept asking God, God, is this really what a man is supposed to do? environment, what is the point of all this? So I was asking God, God, tell me what it is that you want from my life. And it's like, you know today when I see my life, it's like a I see it from a third person point of view, and I see how God was planning it. साइमल्टेनियसली इट जस्ट सो हैपन्ड कि डैड ने एक दिन मुझसे पूछा कि बेटा मुझे आई हैव टू ट्रैवल नाउ फॉर अ टूअर मिनिस्ट्री के लिए यूजली मॉम मेरे साथ चलती हैं पर अब रिशभ के एग्जाम्स हो रहे हैं तो शी हैज़ टू स्टे बैक विल यू कम विद मी सो आई सेड येस वाई नॉट आई वुड लव टू आई थॉट कि ठीक है यू नो काम से थोड़ा आई टेक अ ब्रेक एंड आई गो ट्रैवल विद डैड बट वेन आई वॉज देयर स्टैंडिंग ऑन स्टेज मिनिस्टरिंग विद ड नॉट इवन डूइंग एनीथिंग आई वॉज जस्ट हियरिंग हिम that's when i knew god telling me that beta I jo kuch tumhe diya hai jo talents tumhe hai, jo education tumhe hai, it's my heart that now you use it for ministry so that whatever education you have acquired i, 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 I love doing creatives mm -hmm. i love uh, doing uh, you know uh, graphics and things like that that's great. and i just i just know this much that god was telling me oh. jo I tumhe hai now use it for the ministry oh, my. Use it to better my kingdom and use it to help your parents. Wow. And yeah, and I mean, there uh, was a lot of persecution that they didn't drag unko to at least let them have their careers. They didn't understand that I wanted to do this. It was between me and God. God was asking me to do it. My parents never asked me to join the ministry or to be a part of it, but God asked me to do it. इस बात को एक आम शख्स समझ ही नहीं सकता वही लोग समझ सकते हैं जो रूटेड एंड ग्राउंडेड हैं मसीह में क्योंकि उनका दिल इस दुनिया में नहीं है जैसे बाइबल में लिखा है दुनिया में तो रहो पर दुनिया, दुनिया के, के हम शक्ल ना और दुनिया ये चाहती है कि हम उनके हम शक्ल लगें दुनिया ये चाहती है कि हम उन जैसे दिखें लेकिन जब हम दुनिया हम में देखती है चाहे वो हमारे दोस्त हों रिश्तेदार हों हमारे जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हों उनको ये चाहिए जो हम कर रहे हैं ये भी, भी वो लोग कर रहे हैं है। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो वो हमें समझते हैं ये काम अकल लोग हैं ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनके पास इतना टैलेंट है और ये ये क्यों नहीं करते और ये मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इस तरह से लेकिन आपने खुदांद को अपनी ज़िंदगी दी है और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहेगा बाइबल में लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई हैं और फिर लिखा है उसी के वास्ते पैदा हुई हैं वी आर क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम लेकिन इस चीज़ को समझना कि ये कितना बड़ा खुदा का फज़ल है हम पे कि उसने हमें चुना और बाइबल में ये भी लिखा है वी आर कोवर्कर्स हिम हम उसके साथ मिलके काम करते हैं कितनी बड़ी खुशी की बात है कितने और लोग हैं करोड़ों लोग हैं बिलियंस में हैं जो सच्चाई की तलाश में हैं पर उनको सच्चाई नहीं मिलती तीन एज आपकी एज में है लेकिन मैंने हम हम जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ पर लोग अपना सुकून नशे में ढूंढते हैं क्लब्स में ढूंढते हैं फ्रेंडशिप में ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता और आखिर में क्या होता है वो अपनी लाइफ वेस्ट कर लेते हैं और ये लाइफ खुदा ने बड़ी प्रेश लाइफ है सो so, मैं शुक्र करता हूँ सो so, जब आपने अपनी डैडी में चेंज को देखा आपके गुस्से का मुझे पता लगा भी इस से तो <laughs> <या। laughs> so, फिर क्या गुस्सा गीतों पे भी निकला कुछ आपने लिखना कब शुरू किया मैं लिखता तो आ... जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल के कोयर के लिए सॉन्ग्स लिखता था फिर जब बड़े हुए तो मुझको रीना मिली कॉलेज में तो उनके लिए लिखना शुरू किया <laughs> बेवफाई के गीत गुस्से के गीत झगड़े के गीत शिकायतों के गीत गिले शिकवे जो गजलों के मौजू रहते हैं यही सब जो ये सब जो बातें हैं दुखों के अपने की भाई सच्चा प्यार कैसा होता है ना, नाम तो मैंने इसका बहुत सुना है तो ऐसी ऐसी बातें जो है ना जली कटी जो होती है वो सब लिखते लिखते फिर उसके बाद जो है आ, फिर मैंने कुछ लोगों के लिए भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों के लिए महेंद्र कपूर जी के लिए एल्बम्स के लिए एच के लिए गाने लिखने के वो मेरे मेरे लिए आसान होता था लिख के भेज देता था तो वो जो है वो हो जाते थे गाने हम लिखवाते थे कुछ दिल्ली में जो रिकॉर्डिंग्स होती थी उनके लिए मैं गीत लिख देता था, था फटाफट ठीक है तो वो सब करते 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 वो एक था लिखने का तो फिर आ, फिर जब लिखना बदला मेरा वो जो मसीह में आने के बाद सोच बदली सोच बदली तो फिर सोच बदली तो विचार जब बदले तो फिर जो कहते हैं ना आउट ऑफ द अबनडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीकर जो दिल में भरा होता है वो, वो, वो जबान, जबान पर आता है तो मेरे दिल में जब कलाम भरा तो फिर मैं कलाम से लिखना शुरू किया नजात पाने के बाद और मसीह के साथ जो मसा के अंदर जो लिखना शुरू किया फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर वो खुदाई जो ताकत है मसा जो था अनुंटिंग के साथ जो लिखना शुरू किया उसका अलग ही एक आनंद है उसकी अलग खुशी है उसकी अलग ताकत है कुत है क्योंकि जो जो बिल्कुल मोहब्बत के गीत अच्छे होते हैं इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहब्बत के गीत लेकिन जब वो वो कुछ गीत अच्छे लगते हैं लेकिन फिर बाकी गीत जो आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं जो वर्ल्डली सॉन्ग्स हैं इनके साथ एक स्पिरिट जुड़ी हुई है है ना तो, तो आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े जो बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले आर्टिस्ट या टैलेंटेड लोग जो हैं जो उन्होंने लिखा उसका कुछ भी उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ और उन उन्होंने जो जो लिखते हैं वो एक टैलेंट है और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता था तो बड़े अच्छे अच्छे लव सॉन्ग्स हैं लेकिन जिन्होंने गाए जिन्होंने लिखे उनके लाइफ में लव नहीं था तो इसका मतलब ये कि वो जो लव था वो वो जैसा बाइबल कहती है कि वो एक इरोटिक लव था वो बाहर का लव था लेकिन एक अगापे लव जो खुदा वंद हमें सिखाता yes, है तो वो जो है गॉडली लव जो है उसके जब गीत हमने लिखने शुरू किए तो जैसे हम हमारा स्टूडियो है बॉलीवुड में मैं बॉम्बे के अंदर ट्रिनिटी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड तो हमने उसमें जब हमने स्टूडियो किया तो उसमें बहुत सारे फिल्म्स के प्रोडक्शंस और ये सब काम चलते रहे और उनके साथ हम भी जुड़े रहे और उसमें काम करते रहे लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मैंने अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लिया और मैंने कहा कि ये जो बर्तन है ये सिर्फ खुदा के लिए है क्या और मैं इसमें से चाहे मुझे ऑफ़र्स आती नहीं क्योंकि वेन यू आर देयर यू आर ऑफर्ड या शैतान को तो ज़्यादा ऑफ़र करता है जब उसको पता हो कि ये जो बंदा खुदा में है तो ये मेरा एक डिसीजन था जिसमें रीना ने मुझे हेल्प किया फैमिली ने मुझको सपोर्ट किया क्योंकि उसकी वजह से ऑफकोर्स आई वॉज नॉट अर्निंग एज मच एज आई वॉज डूंग बिफोर बट यू नो आई वुड से गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। तो हमारे घर का माहौल हमेशा ऐसा रहा है कि डिमांडिंग नहीं है हमारे बच्चे ना हमारी ना ना मेरी वाइफ ना फैमिली कि हमको ऐसा ही चाहिए हमें ऐसी ही गाड़ी चाहिए या ऐसा भी जब जो भी हमको होता है हम उसमें खुश रहते हैं और हम खुदावन में बड़े खुश रहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को इनक्रेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट योर पेरेंट्स सपोर्ट योर फ़ादर सपोर्ट योर मदर बिकॉज मैं देखता हूँ कि जो फादर जो है वो अकेला बोझ उठा के चल रहा है और वो सबको खुश करने की कोशिश करता है और बच्चे जब वो डिमांड रखते हैं वाइफ जो है डिमांड रखते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ तो कि आप नहीं रखें डिमांड लेकिन आप ये भी पहले उस चीज़ को देखेंगे क्या आपकी फैनैशियल स्टेटस है आपकी ज़रूरतें क्या हैं प्रायोरिटीज़ क्या हैं हम पेरेंट्स को प्रेशर करते हैं हम अपने कई लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि तुम इतना कमाओ नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो कई बच्चों हम यू नो इट्स द इट्स बोथ वे ट्रैफिक हम हम अपने बच्चों के लिए लालची हो जाते हैं कि ये कमाए और हमको अब खिलाए और हमारे साथ ऐसा करे हमको हम ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब ये फोकस हमारा खुदा पर आता है तो ये ग्रीडीनेस हमारे अंदर से निकल जाती है और मोस्टली जो झगड़े हैं वो इन्हीं वजहों से हैं जहाँ पर पैसा, पैसा। प्रॉपर्टी ये सब जो आती हैं दुनियावी चीज़ें तो ये चीज़ हमको खुदा की तरफ से जो बरकत मिली ये मिली कि खुदा ने हमको हम जब बदला हमारी सोच भी बदली और बच्चों का बिल्कुल हमारे बच्चे पहले से भी वैसे नहीं थे लेकिन और भी ज़्यादा खुदा में आके समझदार हो जाते हैं खुदा जो हमें अक्ल देता है, है ना वो हमें दनाई देता है दनाई देता वो हमें विजडम देता है तो वो विजडम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी फैमिलीज़ ब्लेस होंगी और उसी वजह से हम जो हैं आज यहाँ पर जहाँ खड़े हैं हम जो खदमत कर रहे हैं वो इसका फल है कि हम साथ हैं Amen. और हम अपनी कहते हैं ना कि अपनी चादर के जो अकॉर्डिंगली अपने पाँव जो हम फैलाते हैं और जैसा खुदा बाइबल में लिखते हैं वी हैव टू काउंट द कॉस्ट बिफोर वीट सो दैट इज़ हाउ द गॉडली फैमिली ऑपरेट्स द मिनिस्ट्री ऑपरेट्स और ये सब बातें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हाँ जी so, सो yes. आप बताइए आप बहुत छोटे थे जब आपके पेरेंट्स ने मसी को अपनी जिंदगी दी yes, और yes. आपकी सिस्टर आ, जब आप छोटे थे क्या फीलिंग्स थी आपकी सो so, जैसे यू you नो know, सब बात बा दीदी बोल रही थी अबाउट डैड और उनके गुस्से के बारे में वो सब मैंने नहीं देखा Because I was very young when they accepted Christ and I saw Dad as the transformed person he okay, is right now. Okay. So I you know, I saw him as a role model and he's always been my role model till today. Okay. And Hamesha okay. uncomet, you know, I kabi as but his his personality, his beliefs and his you know, what he was in, used to inspire me so much. Mm -hmm. Just like every son is inspired by his father. Yes. And I used to really, you know, look up to my dad and then लेटर ऑन जब ये चर्च इनके साथ जाता था मैं तो देखता था कि ये एक्चुअली जीसस से आया है दैट पर्सनालिटी इज फ्रॉम जीसस ओके एंड आई कुड जॉइन द डॉट्स कि वो एक्चुअली यहां से दिस इज दिस इज द रियल यू नो दिस इज द डील लाइक दिस इज हाउ इट इज़ एंड दैट इज़ हाउ आई रियलाइज्ड हाउ द अल्टीमेट रोल मॉडल इज जीसस क्राइस्ट यस एंड हाउ डैड एंड द होल फैमिली हैज़ यू नो अडॉप्टेड दैट और मुझे भी वही चाहिए था सो it was not a very dramatic testimony for me <laughs> mm -hmm. but it was very swift and nice for me i got it that was god's grace he you know bade yes okay and uh, <laughs> and also dad uh, because he's a you know he's a he's also a very good musician yeah. and that was also one of my inspirations and how he used to write and how he used to sing वो भी मेरे में आ गया थोड़ा सा वुड लर्न दैट फ्रॉम माई डैड एंड यूज़ टू टीच मी यूज़ टू मेक मी सिंग एंड बस इवेंचुअली आई डिसाइडेड दैट म्यूजिक इज ऑल्सो गो बी अ वेरी प्राइमरी पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड सिंस गॉड का वो गिफ्ट है तो वो गॉड के इट्स टूवर्ड्स गॉड इज ओनलीज य माई विजन इज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक माई शॉर्ट टर्म एंड माई लॉन्ग टर्म विजन इज टू सपोर्ट दैड टू सपोर्ट द फैमिली And just to be united, so that he can counter me on whatever he wants. Mm -hmm. So that vision is, you know, just to complete his vision. That's my number one. Praise vision. the Lord. Praise yes. the Lord. What a wonderful to complete his vision. Uh, Aab, I just like to add something. Mm -hmm. I think uh, the reason why hum as kids, me uh, or rishabh why we, so uh, strongly mom dad side, isle khade ho paate? because hum jab dad ko, uh, प्रीच करते हुए देखते हैं वी नो दैट ही इज़ नॉट लिविंग अ डबल लाइफ वो जो कहते हैं uh, जब भी वो वचन देते हैं जब भी वो कलाम से शेयर करते हैं और जो घर में हैं इट्स एग्जैक्टली द सेम एंड इससे आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज देन वी नो दैट यू नो इट इज़ समथिंग इट इज समथिंग टू लर्न फ्राम यू नो क्योंकि वो uh, वो ये नहीं कि चर्च की लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ में अलग है वो ही इज एग्जैक्टली जो वो वचन देते हैं ही इज़ एग्जैक्टली द सेम at home also and he he practices what he preaches and i think because of that we admire him so much more and we respect him so much more and and, and then uh, you know that's how we see christ in the true in in the true sense because we know that that's what jesus teaches us mm -hmm. you know ki aap jo uh, uh, duniya mein hai wohi aap ghar pe hai aur jo ghar pe hai wohi mein hai and we know that his life is centered around the word of god Praise and god. that's what we uh, aim at that's what we also work towards great Now, uh, pastor Neil apne bataya your connection was also with bollywood mm -hmm. or uh, t series or sare ads banate the kis tarah apne bataya offers what do you think if you aap, uh, aapke future me your offers are you doing some music for them or kya I am a professional musician yes. but uh, mera Jesse I um, as a profession I like to make, make music yes and uh, mera vision is not necessarily bollywood or any of that mm -hmm. but uh, that is why I probably not I'm not looking at uh, you know uh, it, as a career I'm not looking Fame looking up So I'm not looking at that as a career option Mm -hmm. but uh, right now because all i'm focusing is on studying music studying music and i don't mm -hmm. have any aspirations to become you know a music director or the biggest singer or whatever any of that mm -hmm. all right now all that i want to do right now is learn music because i believe that god has given me a gift of music and i want mm -hmm. to grow that as much as i you know can

बस जी मैं ऐड करना चाहूँगी कि वेन ही फिनिश्ड हिज टेंथ स्टैंडर्ड चार साल पहले तब तक हम इसको फोर्स नहीं करते थे कि यह हमारे साथ म्यूज़िक में हिस्सा ले या हमारे साथ ट्रेवल करे बिकॉज ही वॉज बिजी स्टार्टिंग और इसकी इंक्लिनेशन भी नहीं थी म्यूजिक की तरफ बट वी सॉ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन विद इन थ्री मंथ्स

लेकिन बाइबल में लिखा है हर एक चीज़ का एक वक्त है और खुदावंद वक्त पे उन चीज़ों को बाहर निकाल लेता है लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं और आप सोचते हैं वो खो चुके हैं या आप उनको चाहते हैं कि वो खुदावंद के साथ चलें वो क्यों नहीं बाइबल पढ़ रहे तो एज़ ए पेरेंट्स एज़ ए फ़ादर एंड मदर वी नीड टू फॉर देम हमें दुआ कंटिन्यूस करते रहना चाहिए और दुआ के वसीला से उनकी ज़िंदगी में चेंज जरूर आएगा अदुछ, अदुछ, अदुछ। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि म्यूज़िक एक तरह से आपको को घराने से मिला अपने फादर से और जिस तरह से आप इसको लेके चले और खुदाद ने फिर आपको टैलेंट से भर दिया फाइनेस्ट यस यू प्ले वेरी वेल और भी हम आपसे सुनेंगे भी yes. हम uh, इसको <laughs> सुनते भी लेकिन एक और सवाल है इसको करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप बताइए कि बहुत सारे यूथ है आप यूरोप में भी गए होंगे आप अमेरिका में भी गए हैं कनाडा में भी आप इंडिया में रहते हैं आप आज की यंग जनरेशन को जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं मैं अक्सर हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कलीसिया में भी एज ए पास्टर भी एज ए दोस्त कि हमें अपने कानों को बंद नहीं रखना hmm. हमें खुदा की आवाज़ सुनने के लिए उनको खुला रखना है yeah, yeah. और वो जो हेडफ़ोन्स हैं कई दफ़ा हमें खुदा की आवाज़ सुनने नहीं देते और जब हम सड़क पे वॉक करते हैं आप इंडिया हो या पाकिस्तान खैर ये सब जगह पर है hmm. चाहे यूरोप हो सब ने हेडफोन्स लगाए हैं एंड दे आर बिज़ी दे आर बिज़ी वेदर दे आर टेक्सटिंग और कंप्यूटर उनके दिल में खालीपन है लेकिन वो इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं तो आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक उस दौर से हम भी गुजरे हैं स्पेशली मी uh, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है तो मैं हेडफोन्स पहन के बहुत बार म्यूज़िक सुनती हूँ बट uh, हाँ जी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है बिकॉज नाउ डेज द यंगस्टर्स यू नो वन दे फील दैट एम्टीनेस दे वॉन्ट टू फिल इट इन विद वेरी यू नो विद डिफरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो दे लिसन टू यू नो वेरियस काइंड ऑफ म्यूज़िके गो फॉर पार्टीज दे डू ड्रग्स दे डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बट आई यू नो आई आई जस्ट हैव वन थिंग टू सेज देट यू नो हम हमेशा सोचते हैं कि uh, परमेश्वर एक सर्टन एज के बाद हम अपने जिंदगी में यू uh, नो you know, कबूल करेंगे या वील स्पेंड आफ्टर आर फिफ्टीज फोर्टीज फिफ्टीज जब जब हमने जिंदगी जी ली है तब फिर टाइम आता है परमेश्वर के लिए और ख़ुदा के लिए तब फिर टाइम आता है बट योर यंग यर्स आर यू नो फॉर यू टू इन्जॉय बट आई वुड लाइक टू टेल द यंगस्टर्स दैट यू कैन हैव अ फुलफिल्ड लाइफ यू कैन हैव एन अ लाइफ ऑफ इंजॉयमेंट विद गॉड एंड दैट इंजॉयमेंट इज़ आई कॉन्ट इवन आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट इंजॉयमेंट इज 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 beyond words and it's something that is it's, it's a fulfilled enjoyment you know when you when, when i travel with my parents even forget traveling even when we are at home you know in the small things at home when there are no fights at home that is true enjoyment and that comes from god यू नो अ पीसफुल एनवायरनमेंट आई आई मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग uh, अपने घर के एनवायरनमेंट से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि दोस्तु वो ज, वो जा, वो जानते हैं कि उनके घर में पीसफुल uh, एनवायरनमेंट नहीं है इसलिए फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं बट आई बिलीव एंड आई नो दिस दैट ओनली गॉड कैन ब्रिंग अ पीसफुल इन्वायरमेंट एट होम एंड मैं ये जानती हूँ फ्राम पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी है बिकॉज जब भी मैं घर आती थी मुझे इतना पीसफुल एनवायरनमेंट घर पे मिलता था इतना जॉयफुल एनवायरनमेंट घर पे मिलता था कि मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता था वो मोहब्बत जो से मिलती है, yes, आप है बढ़ के घर में करेक्ट क्योंकि और ऐसा होता है पास्टर जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर ये प्यार ढूंढते बाहर मोहब्बत ढूंढते ढूंढते क्योंकि घर में मोहब्बत नहीं होती yes, है yes. बट हमारा घर हमेशा से परमेश्वर ने इतना प्रेम दिया है इतना इतना इतनी मोहब्बत दी है हमारे मसीह हर मसीह का घर ऐसा है मसीह का घर

and all four of us as a family, we have made this choice to take these fruits from christ and implement them in our house, because of which hame baha janaki to you know, so the one thing i would like to tell the youngsters and families that if you really, truly uh, just, uh, you know, just drink up the love of god, drink up the love of christ, you will never need anything from the outside. <clears throat> I, uh, what I can say is that, uh, for someone my age, या जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो एक character build होना is that's the time when you build your character up. And हम लोग, you know, इस उम्र में we very influential at this age. Yes. And uh, you know, we look up to probably TV V देखते हैं या कोई किसी या फिर कोई artist है या जिसको हम लोग look up to उनके character उन उनको हम लोग act में you know, we try to enact them or we try to you know copy them. सो बेसिकली अरेक्टर जो एक हम लोग दूसरे लोग से अक्यूमुलेट करते हैं दैट समटाइम्स यू नो लाइक डज इट लगता है कि चलो ही मजबी यू नो कोई दुनियावी आदमी जो बहुत आप जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो उसको दिखना चाहते हो या बात करना चाहते हो बट इवेंचुअली इट्स दे ऑल हैव दे फ्लॉस बिकॉज देर ऑल ह्यूमन एंड द ओनली ह्यूमनफेक्ट वॉज जीजस क्राइस्ट सो द कैरेक्टर द गा द पर्सन लाइक द पर्सन दैट यू शुड यू नो And get inspired from the character that you should adapt is Jesus Christ. Praise so I Lord. think if you make your, make him your role model for your character, it's that's that's the advice I can give you. Yeah, yeah, yeah. I give you. And, this is and this is name, you have a very thing. That have a time, have a character. हम अपनी पर्सनालिटी को दूसरे जैसा बनाना और उसकी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ हम अपना करेक्टर लूज़ कर जाते हैं और हमारे अंदर कुछ दूसरा नज़र नजर नजर। क्योंकि खुदावन ने हर शख्स को फ़र्क बनाया है और एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट टैलेंट्स डिफरेंट पर्सनालिटी तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप, आपका ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है और बहुत सारे नौजवान हैं जो आपकी इन बातों को सुनेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब की जो बातें हैं लोगों के दिलों में घर कर जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए अब इतना कुछ हुआ है फास्टर अनिल एक दफ़ा फिर हम आपकी तरफ आते हैं क्या विजन है क्या आप कर रहे हैं इन दिनों थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के मतलब बताइए विज़न तो यही है कि घॉबुल जो है खुदा का जो पैगाम है सुसमाचार इंजील जो है गुड न्यूज़ चीज़ वो हम दुनिया में फैलाएं उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं गिफ्ट जो दी जाती है, दी हैं खुदा ने दिए हम सबको और हमारी मिनिस्ट्री को जो खुदा इस्तेमाल करा है मीडिया के हवाले से एक बात यह होती है कि कभी कभी लोग समझते हैं कि कोई गाने वाले हैं तो इनके चर्च में गाना ही होता होगा तो आ, 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 समझा जाता समझा है, है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गाना किसी की जिंदगी बदल नहीं सकता ठीक है ऐसा होता तो फिल्मी गाने सबकी जिंदगी बदल देते हैं बदल देते हैं अगर कलाम नहीं हो डोंट स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड नथिंग विल वर्क और हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हम सब की जो मिनिस्ट्री है जी. वो ये है कि हम एज हमको जो खुदा ने तोड़े दिए हैं जो टैलेंट्स दिए हैं जो गिफ्ट्स दिए हैं वो इस्तेमाल हम करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड वी आर प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स वी आर प्रोड्यूसिंग फिल्म शॉर्ट फिल्म एक हमारे को ये भी खुदा ने विजन दिया कि हम शॉर्ट फिल्म बनाएं और जिसके अंदर हम जीसस क्राइस्ट को कंटेक्चुलाइज़ करके जो है लोगों के सामने लेके आए क्योंकि जैसे पॉल उसने कहा कि आई बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल मैन सो दैट बाई ऑल मीन्स आई विन सम तो हम सब कुछ जो है हर तरीके को इस्तेमाल करें और फिल्म जैसे हम अभी तक यही बात करते हैं कि बॉलीवुड या फिल्म या मीडिया कैसा मीडिया में जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं yes. तो वो फिल्में जो हम ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर हम खुदा मुन्द यशु मसीह को प्रोजेक्ट करें क्योंकि उनको उनको एक वेस्टर्नर की तरह देखा गया है और कभी भी एशिया में या एशियन प्रोडक्शन हाउसेस में कभी भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं हुई क्वालिटी प्रोडक्शन जो जो चीजस को सही तरीके से पोर्ट्रे कर सकें बड़ी बड़ी सिंपल सी प्रोडक्शन हुई हैं या ऐसी हुई हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं जिसको जो बाहर के लोग नहीं देखना पसंद करेंगे बिल्कुल क्योंकि बाहर बहुत एक्सेलेंस जो है वो क्वालिटी दी जाती है और हम क्रिश्चियंस के अंदर कभी वो अगर लैक करती है तो फिर लोग कहते हैं कि इनका काम भी जो है इतना अच्छा नहीं है तो हम वो जो है फिल्म्स के हवाले से हम ये लेकर आ रहे हैं फीचर फिल्म्स का हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आगे ले आ रहे हैं उसके साथ हमारे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जिसके अंदर श्रेया और रीना और ऋषभ और हमारी जो पूरी फैमिली है उसके अंदर शी इज़ अ कोरियोग्राफर वो बनाती हैं रीना इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड शी इज़ अ प्रोड्यूसर शी इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर ऑल द फिल्म्स एंड जो भी प्रोडक्शंस होती हैं मीडिया की रीना जी हैंडल करती हैं एंड ऋषभ और ऋषभ इज़ डूइंग द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एंड ऑल द म्यूजिक पार्ट्स ऑफ द फिल्म शी हैंडल्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रिएटिव पार्ट्स ऑफ द फिल्म और उसके साथ सारे कॉस्ट्यूम्स और सारा जो मतलब इट्स अ प्लस हमारी जो चर्च की टीम है और उसमें भी हमारे बच्चे हैं बहुत सारे जो प्रोडक्शन के काम करते हैं तो ये एक एंगल हुआ सत्संग हमारा जो जैसे रीना जी ने कहा था कि सत्संग हमारे हम सत्संग करते हैं हिंदुस्तान में जाके अलग अलग शहरों में जाके और वहाँ पर उन सत्संग के हवाले वस... वाले इस वसीले से हम ये लोगों को गॉस्पल देते हैं कि जीसस जो है वो सत्संग में भी आता है है ना कि सिर्फ ये नहीं कि क्रिश्चियन मीटिंग इसी तरह की होगी जहाँ पर सब जो है इसी तरह से ड्रेसअप होंगे या गिटार्स ही होंगे या लेकिन सत्संग जो है एक इंडियनाइज या पाकिस्तान या एशियन लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला एक क्रिस्चैनिटी का एक मॉडल टनटेक्सटलाइज मॉडल है तो वो बहुत ज़रूरी है और हम उसके हिसाब से भी हम लेके जाते हैं और बहुत सारे सिंधीज़ पंजाबीज़ गुजरातीज़ मराठी और बहुत सारी लैंग्वेज़ हैं इंडिया में आप जानते हैं बहुत बड़ा है इंडिया तो वहाँ पर हमारा ये विज़न है और हम वहाँ पर सतसंग्स ले जाते हैं फिर उसके बाद मैं क्योंकि गज़ल सिंगर था चूँकि पहले मैं गज़लें भी गाता था ख़ुदा ने हमको गज़ल्स का भी विज़न दिया कि हम गज़लों को इस्तेमाल करें और गज़ल शोज़ देखिए मसीही गज़लें तो हम गाते हैं चर्च में भी गाते हैं लेकिन गज़ल शोज़ जो गज़लों के जैसे कार्यक्रम होते हैं जैसे नॉर्मल महफ़िलें होती हैं जिसमें जैसे मेहंदी हसन गुलाम अली और इस तरह के जगजीत सिंह या नूब जलोटा इस तरह के जो कलाकार हैं जिनकी गज़ल की इवनिंग्स होती हैं लोग सुनने आते हैं शौकीन जो शेर व शायरी के जो बड़े ही शौकीन होते हैं तो उनकी गज़लें भी लोग सुनने आते हैं लेकिन हमने अब एक न्याज शुरू किया सिलसिला जिसके अंदर हम गज़ल की महफ़िल गज़ल रखते हैं जिसमें हम खुदा के कलाम से गज़लें लेके आते हैं और उन उन लोगों को पसंद है क्योंकि हम किसी मजहब को पोट्रे नहीं करें लेकिन हम खुदा के कलाम को और ख़ुदा का कलाम अपने आप में ही सब कुछ कह देता है तो वो हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम जबूर गाते हैं तो उसमें इंजील भी है जब हम वो यस्सु के कलाम गाते हैं तो उसमें इंजील है उसमें सारी बातें हैं तो अगर यसु ने कहा कि जितने बोझ से तबे हो मेरे पास हो अगर ये कलाम के ज़रिए कलाम उसमें आ जाता है तो सारी बातें उसमें क्लियर हो जाती हैं तो कहते हैं कि ये गज़ल भी हमारा एक ऐसे प्रोजेक्ट है इसी तरह से हम लोग जो हैं दूसरी भी जो मिनिस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं हमको खुदा मुझे खुदा ने यह भी विजन दिया है कि नए नौजवान सिंगर्स जो हैं क्योंकि जब मैं क्रिस् जब मैं मसीह में जब गाने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे हाथ पकड़े और मुझको साथ चलाए yes. तो उसका थोड़ा सा मैंने लैक ऑफ फादर फिगर्स इन द मिनिस्ट्री में मैंने देखा कि था तो लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो जो इंडिया से पाकिस्तान से या जहाँ से भी हैं वो गाने का शौक़ रखते हैं लेकिन अच्छे लिरिक्स नहीं लिख पाते हैं है. या अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं उनके पास टैलेंट है बट दे डोंट हैव द राइट डायरेक्शन समी टू होल्ड देंड तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए एल्बम्स बनाई हैं और मैं उनके लिए गीत लिख के उनको कहता हूँ कि अब अब ये आपके गीत हैं तो वो कहते हैं कि जैसा आपने इबादत करो लिखा हमारे लिए भी लिखेंगे मैंने कहा बिल्कुल जैसा खुदा ने मुझे मेरे लिए दिया उसी दिल से मैं तुम्हारे लिए खुदा, कलाम से लिख के दूंगा मैंने हमारे भाइया अजय भाई जो हैं इंग्लैंड में हैं अच्छा। तो उनके लिए गीत लिखा कि वादा है वादा है यशाए की किताब से अच्छा। वादा है वादा है खुदा का वादा है मुझसे ये बांधा है आके मुझ पे ठहरा है रूह है खुदावन आके मुझ पे ठहरा वादा है तो ये सारे कलाम से गीत हैं जो बातें अच्छी हैं फिल्पियों की किताब जो बातें सच्ची हैं जो बातें सीधी हैं उनकी बात करें जो बातें अच्छी है, जो बातें अच्छी है, जो बातें सीधी है उनकी बात करी वो जो सुहानी है और मन को भाती है उनकी बात करी तो कलाम है ये और ये कलाम से जब गीत गाते हैं कोई भी गाए मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ तो मैं ही करूं सब करें और अगर मैं उनको एक गीत लिख के देखता हूँ मैंने देखा पैसो पीटर कि जब मैं दूसरों के लिए लिखता हूँ तो मैं अपने से बेहतर लिख पाता हूँ तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने लिखा इतना अच्छा गीत है कि हम रख लें नहीं, नहीं नहीं ये गीत खुदा ने उस बच्चे के लिए दिया है तो हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे दिलों को बड़ा करने वाला खुदा है और हमको लोगों के लिए फादर्स बनना है हमको उनको खड़ा करके कहना है कि ये बच्चे हमसे अच्छा काम करेंगे क्योंकि सब कुछ जो हमने दुनिया में कमाया यहीं पर रह जाना है सौ साल के बाद किसी को याद नहीं होगा अनिल कौन था exactly. सौ साल के बाद ना आपके ना मेरे ना हमारे ये प्रोग्राम भी शायद नहीं होंगे लेकिन सौ साल के बाद यीशु का नाम वहीं का वहीं होगा नाम वहीं और हम जो उस कलाम के अंदर बो के जाते। शायद हमारे आज के लिखे हुए गीत आप जैसे आप कल बता रहे थे लेगेसी के बारे में हमारी एक बातचीत चल रही थी पैस्टी जी, लेगेसी जी, के बारे में बताते हैं तो मैं मान रखता हूँ कि ये लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे तो सौ साल के बाद लोग को शायद भूल भी जाएंगे अनिल खान कौन था लेकिन इबादत ग्रह का गीत उन किताबों में होगा उन किताबों में हो तो हो वो बहुत बड़ी बात होगी तो वो तर्जें रह, रह, रह जाएंगी वो कलाम रह जाएंगे जी हाँ और हमारी ज़िंदगी गवाही बन के लोगों के सामने रहेंगी और खुदा के सामने रहें बस बहुत बड़ी बात है और यही जी आपने बहुत बड़ी बात की और लैक ऑफ फादरली फिगर और ये हकीकत है कि चर्चेस में बहुत सारे नौजवान mm -hmm. और बहुत सारे आर्टिस्ट जो नौजवान जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं म्यूज़िक में गाना चाहते mm -hmm. हैं म्यूज़िक बनाना चाहते हैं उनके पास ये नहीं है mm -hmm. और इसीलिए मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड जब भी हम आपके गीतों को सुनते हैं कि आपके गीत हमेशा कलाम से mm -hmm. और कलाम की आयात को किस तरह से आप uh, जोड़ कर बनाते हो और मैं हमेशा कहता हूँ कि कई दफ़ा शायरी अगर शायरी में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है खुदा का ना उस तरह से उनइंटिंग नहीं है तो वो दिलों में क्या खा वो सिर्फ शोर होगा और वो थोड़ी देर के लिए होगा जैसे फिल्मी दुनिया के गाने थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं और ये गीत भी इसी तरह लेकिन वो गीत जो पाकरू की अनुंटिंग में लिखे जाते हैं और कलाम के आ, कलाम की हेल्प ले कर लिखे जाते हैं तो उसकी क्या ही बात है Amen. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ मेरे लिए भी लिखें हमारे लिए भी लिखें हेमन बिल्कुल बिल्कुल और भाई. हम भी इसको गाएं और श्योर sure, श्योर sure. और आपसे हम टीवी में वादा ले रहे हैं हेमन ये तो बहुत ही सरल सी बात सिंपल सी बात है जो बहुत आराम से की जा सकती है आप अपने पसंदीदा आयात जो है अपनी जो वर्ड आप मुझे भेजें तो मैं उसमें से लिख के आपको दूंगा आपके ताकि आप जो गाना चाहते हैं जो आपकी दिल की वर्सीज़ हैं ठीक है तो आप मुझे ज़रूर भेजें और मैं आपको लिख के दूंगा ज़रूर बिल्कुल आप जाने से पहले आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कोई ऐसा मैसेज जो आपके दिल में है सिस्टर जी आप या आप ज़रूर बताइए हमारे नाजरन को जो मुल्क पाकिस्तान में इंडिया में या दुनिया के किसी भी खत्े में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। दो बातें हैं एक तो आपने हमारी गवाही सुनी हम मसीह को नहीं जानते थे और जब हमने जानना शुरू किया तो हमें उसकी वैल्यू पता चली और मैं उन लोगों से जो मसीह को पैदाइशी मसीह हैं कई बार मैं देखती हूँ कि वो मसीह को बहुत हल्के तरीके से देख लेते हैं या फिर फॉर ग्रांटेड uh, लेते हैं और एक उनके लिए एक रूटीन बन गया है मसीह कभी भी रूटीन में नहीं जोड़ा जा सकता मसीह इज़ आवर लाइफ अगर जीसस हमारी लाइफ का हिस्सा बनेगा तो वो इनफ़ नहीं है ही हैज़ टू बिकम आवर लाइफ तो आ, हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो स्ट्रगल करके मसीह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और आ, मैं उन लोगों को इंकरेज करना चाहूँगी कि उसके जो वायदे हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगे वो हमेशा पूरे होंगे तो आ, मेरे मसीह भाई और बहन आ, जो पहले से मसीह को जानते हैं वी वॉन्ट टू जस्ट इनक्रेज यू कि आप उसमें और बढ़ें और मज़बूत हों और जो मसीह को जानना चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारी रुकावटों का आ, सामना करना पड़ता है साम 20 में लिखा है कि मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदा खुदा तो मसीह हमारी हर दुआ को सुनने वाला खुदा है जैसे पास्टर साहब आपने कहा कि कोई भी दुआ खाली नहीं जाएगी उसने उस दुआ ने हमारे लाइफ में काम किया है वो आपकी लाइफ में भी काम करने वाली है और आप ये ज़िंदा उम्मीद प्रोग्राम देखते रहें और वी स्टैंड विद पास्टर पीटर एंड सिस्टर जमा एंड कॉर्न मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम वी स्टैंड एज गेंट पार्टनर्स और हम इंडोर्स करना चाहते हैं एज ब्रदर्स कि दे आर बेस्ड ऑन द राइट डॉक्टर वी हैव सीन देयर लाइव वी हैव सीन देयर मिनिस्ट्री और हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये अपने कलिसिया में और अपने ही इज़ एन इवेंजलिस्ट एंड ए पैस्टर एंड और भी बहुत सारी गिफ्ट जो हैं इनके अपोस्टॉलिक uh, और अलग गिफ्ट प्रोफेटिक गफ्ट जो हैं पास्टर जी के पास उन्होंने मैसेजेस दिए प्रोफेटिक मैसेज uh, uh, मैं देखता हूँ कि खुदा का रूज जिसके ऊपर होता है फिर वो जब कुछ बोलता है तो वो खुदा की प्रोफेसी जो है अपने आप जो है वो हो जाती है सो वी ऑनर योर मिनिस्ट्री पास्टर वी थैंक यू फॉर योर मिनिस्ट्री वी प्रेज गॉड फॉर एंड वी सी अ व्डरफुल टेस्टमनी एज अ हजब एंड वाइफ मैन यू नो मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड सर्विंग टुगेदर एंड योर फैमिली सो दे आर अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो एंड दे आर अमेजिंग फैमिली एंड अ ब्यूटिफुल चर्च तो हम आप सबको पाकिस्तान में मेरा हमारा तो पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है और मैं पाकिस्तान गया था वहाँ पर मैंने बहुत खूबसूरत Uh, प्यार और भाई और बहनों से मैं मिला और हम आवर वंडरफुल विशेज एंड प्रेयर्स फॉर पाकिस्तान ऑन आर डेली प्रेयर्स पाकिस्तान हमारी डेली प्रेयर्स में है और आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं और यह सुनने का मुबारक है जो मेरी खातिर सताए जाते हैं एंड वी स्टैंड विद यू ऑल द दर्सिक्यूटेड फैमिलीज़ इन पाकिस्तान एंड द चर्च आवर फैमिली स्टैंडिंग विद यू वी आर प्रेइंग फॉर यू अनिल कांत मिनिस्ट्रीज़ सत्संग बॉम्बे से हम सब आपके साथ खड़े हैं और हम वो लोग हैं जो आपस में हम मसीही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान की जो पीस का जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आई थिंक दिस इज़ व्हाट द क्रिश्चियंस आर पीस मेकर्स हमारे में से कभी कोई आतंकवादी खड़ा नहीं होगा yes. हम में से कभी yes. भी कोई टेररिस्ट या बॉम्बर्स नहीं आएंगे हमारे से अगर कुछ होगा तो सिर्फ वो प्रार्थनावादी होंगे जो प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे और हम वी आर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस इन द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन है ना तो मैं हम आप सबको इंक्रेज करना चाहता हूँ जितना आपको प्रोसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान में आप उतना और दुआ में बढ़ें और हम इंडिया में भी और जहाँ जहाँ यह प्रोग्राम जाता है आप जिंदगी की ज़िंदा उम्मीद को छोड़े नहीं और रास्टर जी वी वॉन्ट टू कन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस ब्यूटिफुल वर्क दैट यू आर डूइंग सिस्टर जी थैंक यू आप कुछ कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच पास्टर अनिल कान्त आपकी फैमिली के लिए आपके चर्च के लिए हम दिल से दुआ हैं खुदा मुदाप को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें हम आपके बच्चों की गवाही से और इनकी ज़िंदगियों से खुदा उनके का जलाल देखते हैं और मेरी विशेज़ हैं नाजरन के लिए कि जब वो इन बच्चों को देखते हैं तो वो भी अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को लेकर आएं yes. इससे पहले कि हम आपसे दुआ की रिक्वेस्ट करें मैं चाहूँगी बेटे से रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो पियानो पर थोड़ा म्यूज़िक दें और हम मिलकर आप सब खानदान yeah, दुआ करना चाहते हैं एक दुआ ही है नंबर uh, 622 में जो खुदा का जो कलाम है ब्लेसिंग ऑफ एर जो खुदा ने uh, कहा कि आप ऐसे ब्लेस करें तो जितने भी लोग सुन रहे हैं uh, खुदा वन तुझे बरकत दे uh, मैं ये इसके नई एल्बम भी है और उस एल्बम से ये गीत है Heavenly Father, I just pray, Lord Father, कि जितने लोग इस प्रोग्राम को इस समय देख रहे हैं खुदावंद कि आपकी बरकत का बहुत बड़ा हाथ खुदावन सबकी जिंदगी के ऊपर आए जो हमने अभी बातें की हैं खुदावंद वो किसी शो ऑफ के लिए नहीं या अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं जिंदा उम्मीद प्रोग्राम आपके जलाल के लिए है पैस्टर की जिंदगी हमारी सिस्टर की जिंदगी आपकी महिमा के लिए है खुदा और जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर बड़ा काम आपकी नॉइंटिंग से और आपके मसा से होने पाए खुदा रूह तो चाहता है लेकिन जिसम कमजोर हो जाता है हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है लेकिन खुदा मैं आपकी बरकत एक एक भाई एक एक बहन एक एक खानदान के ऊपर मांगता हूँ और इस बरकत को मैं सबके घरों के लिए खोलता हूँ इस बरकत को मैं सारी फैमिलीज़ के लिए रिलीज करता हूँ तो जितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं अपनी आंखें बंद करें अपने हाथ उठाएं और इस ब्लेसिंग को रिसीव करें जो ब्लेसिंग मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदावन की तरफ से है

तेरा सलोम तेरा पीस शांति के राजकुमार सलामती का शहजादा यस्सु तेरे नाम से मैं मांगता हूं कि तो सबको शलोम दे हील कर खुदाबंद जो बीमार है वो चंगे हो जाए जो बोझ से दबे हुए हैं खुदाबंद आजाद हो जाए जो डरे हुए हैं घबराए हुए हैं एंक्शस हैं अपनी लाइफ से परेशान है खुदावन आए खुदावन तूने हमें डर का रू नहीं दिया है खौफ का रू नहीं दिया है बल्कि मोहब्बत का और अक्ल का आए खुदावन वो लोग जो आज ड्रग्स में हैं, शराबे पीते हैं एडिक्शन में हैं, मुझे ईमान है इस समय वो यस्सू के नाम से हील हो रहे हैं आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं जिन घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है डेवोर्स है सेपरेशन है यीशु के नाम से वहां पर शांति आ रही है क्योंकि खुदा आपकी तरफ देख रहा है अपना चेहरा तेरी और कर सलामत रहे। In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Lord, I release a blessing upon each and every family, Father. Touch Holy Spirit. Make them whole, Father. Heal them, Father. Send your word and heal them, Father. Yes.

आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा एक ऐसा चेंज आएगा एक ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी कि वो लोग जो सच्चाई की तलाश में हैं वो ये जान सकें कि सच्चाई सिर्फ यस्सु है और वो यसु को अपनी ज़िंदगी में लें और फिर देखें कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में खुशी आती है इतमान आता है सुकून आता है जो दौलत नहीं दे सकती जो दुनिया का कोई नशा नहीं दे सकता दोस्तों इस ईमान से हम रुखसत होते हैं कि फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ